अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमदर्द इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक और नए नुस्खे के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। ये वीडियो ऐसे हज़रात के लिए होने वाली है जो परेशान है अपनी टाइमिंग को लेकर, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं टाइमिंग के लिए, यानी काफ़ी दवाओं का इस्तेमाल कर लिया है, काफ़ी कैप्सूल खा लिए, गोलियाँ खा ली हैं, टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं लेकिन टाइमिंग बढ़ती नहीं। आखिर वजह क्या है, क्यों टाइमिंग नहीं बढ़ पाती है? और जो है काफ़ी वक्त हो गया है, कई साल से परेशानी चलती आ रही है। तो ऐसे हज़रात को मैं इलाज भी बताऊंगा और ये किस वजह से होती है ये भी मैं आपको बतला देता हूँ। ये जो परेशानी होती है, बहुत से हज़रात ऐसे हैं जो हाथ का इस्तेमाल कर लेते हैं काफ़ी पहले और उसके बाद में नसों और पट्ठों के अंदर कमज़ोरी पैदा होती है, नसों के अंदर कमज़ोरी पैदा होती है, मैदे मसाने के अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मजी वदी निकल कर बाहर आ जाती है। यानी बहुत से हज़रात की जो मनी होती है वो इस कदर पतली हो जाती है कि अगर कुछ सोचते हैं, देखते हैं तो तब भी पानी निकल आता है। टाइमिंग को तो रही दूर की बात, सोचने पर भी पानी निकल आता है। तो ऐसे हज़रात का मैदा और मसाना दोनों कमज़ोर होते हैं, तो मैदे और मसाने को मज़बूत करना है इसके लिए पेट को सही करना ज़रूरी है। अपने पेट को सही करिए, अच्छी चीज़ें खाइए जिससे कब्ज़ ना बने, यानी पेट में कब्ज़ नहीं होना चाहिए। तो अब आ जाइए, मर्दाना ताकत बढ़ानी किस तरीके से है, टाइमिंग बढ़ानी किस तरीके से है। आपको चार माजून लेने हैं अलग अलग, माजून मुगलिस जवार वाली, माजून लबूब कबीर, मुमशिक बेनजीर, माजून जलाली। चार माजूनों को आपस में मिला लेना है। फिर इसके बाद में आपको ज़ाफ़रान शिलाजीत कुश्ता सिंगरफ, ज़ाफ़रान 10 ग्राम, शिलाजीत 10 ग्राम, कुश्ता सिंगरफ 5 ग्राम, ये सारी चीज़ें आपस में मिला लेनी है, खरल के अंदर अच्छी तरीके से घोट लेनी है, ये माजून तैयार हो जाएगा। अब इस माजून को 40 दिन तक खाना है, 5 ग्राम रोज़ाना सुबह को नहार मुँह दूध के साथ में, और इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर ही आपको टाइमिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, यानी टाइमिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। बशर्त यह है पेट सही होना चाहिए, पेट पहले सही करें, पेट के लिए अभ्यारिष्ट लगाइए, ठीक है, यानी अभ्यारिष्ट का इस्तेमाल करिए पेट के लिए, इंशाल्लाह बहुत मुफीद है। जब पेट ठीक हो जाए तो ये उसका इस्तेमाल करना शुरू करें, इंशाल्लाह कुछ ही दिन में मर्दाना ताकत ठीक हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ उसका आपको समझ में आ गया होगा। चलता हूँ, मिलूँ अगली और नई वीडियो में, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।